अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ मैं ये छोटे छोटे से आलू हैं जिनको मैंने अच्छे से छील लिया, धो के बाउल में रख लिया है और बाकी ये सारे मसाले इसके पास ही रखे हुए हैं। चलिए मैं आपको मसाले भी सारे दिखाती हूँ। ये रहा हमारा कड़वा तेल आधी कटोरी और ये हमारा मेथी दाना आधा चम्मच है और ये मेरा चिली फ्लेक्स है होममेड। देखिए अच्छा सा लग रहा है ना। और ये मेरा नमक है, ये देखिए नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। और ये हमारी लोहे की कढ़ाई जो कि पहले से मैंने गैस पे चढ़ा दी है। चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारा कड़वा तेल। ये देखिए मैंने सारा कड़वा तेल इसमें डाल दिया है और फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेंगे जिससे कि जल्दी से पक जाए। चलिए हमारा तेल अच्छे से पक गया है धुआंधार सा। मैंने फ्लेम इसकी ऑफ कर दी। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना। ये लीजिए ये मैंने इसमें मेथी दाना डाल दिया है। आइए ये देख लीजिए मेथी दाना डाल दिया और मेथी अच्छे से होने लगी। इसमें ऐड करने वाले आलू। चलिए आलू को हम चला लेते हैं कि जिसमें नीचे मेथी हमारी जले नहीं, नीचे तेल गरम है, चला लेते हैं हम इसको। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चला लिया है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। ये देखिए मैंने इसमें ऐड करा है नमक। नमक मैंने ऐड करके अच्छे से चला रही हूँ इसको। ये देखिए अच्छे से चल गया। अच्छा मैंने जो इसकी फ्लेम थोड़ा सा बंद कर दी थी, तेल गर्म हो गया था, फिर मैंने इसको फ्लेम को ऑन भी कर दिया। और ये देखिए तेल नीचे आपको दिख रहा है थोड़ा पकता हुआ। अब हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं चिली फ्लेक्स। चलिए चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया। अब अच्छे से इसको हम चला लेंगे। और हाँ मैंने इसे थोड़ा सा हटा लिया था क्योंकि ये 2 चम्मच था तो मुझे लगा तीखा ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए अब इसे हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। तेल नमक और ये मिर्ची अच्छे से मिल जाए। ये देखिए हो गया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना कलर। चलिए अब हम लोग इसको इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। ये देखिए पानी इतना था कि आलू पे आ गया था सारा। अब अच्छे से हम लोग इसको चला के फिर इसके ऊपर हम ढक्कन बंद कर देंगे, पकने देंगे इसको। ये देखिए अच्छे से फदक लगने लगी, एकदम मस्त सा हो गया है। चलिए अब हम ढक्कन बंद कर देंगे और इसका वेट करेंगे। और फ्लेम को मैंने थोड़ी हाई कर दिया है, स्लो थी, अब इसको हम पकने देंगे। चलिए अब हम इसका ढक्कन खोलते हैं। ये देखिए पानी पूरा जल चुका है। और चलिए अब हम चेक ज़रूर करेंगे इसको कि आलू हमारे गले हैं या नहीं। ये देखिए मैंने अच्छे से चला के इसे चेक कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये देखिए आलू हमारा गल चुका है बहुत अच्छे से। मैंने 2-3 आलू चेक करे थे लेकिन आलू अच्छे से गल चुके हैं। चलिए अब हम इसको भून लेंगे और इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और आलू पे थोड़ा क्रंच आ जाए। ये देखिए साइड साइड में गोल्डन हो गए आलू। मैं इसको खूब अच्छे से भून के ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए अच्छे से तेल छोड़ दिया है, आलू भून गए। और प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू।